माल भारी है, भाव सरकारी है, लेना नहीं लेना मर्जी तुम्हारी है। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद ये कल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, ती कर दे सबकी चाल। ओ छोरा छोरी भैया निकल लो। अरे बसंती क्या बात है, कसम से कहते हैं जब तुम आती हो तो ससुरा दिन अपने आप ही निकल आता है। छोड़ो मियाँ, तुम भी दूसरे लौंडों की तरह मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। अच्छा सुनो, साहब के लिए एक पान लगाई दो और हमें एक मीठी सुपारी खिलाई दो। देंगे देंगे और साथ में फ्री का एडवाइस भी देंगे। एडवाइस? हाँ, एक नीलन सुपारी खाना छोड़ दो। काहे? ये बादाम खाओ बादाम, तुम्हारा दिमाग दौड़ने लगेगा टक 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 टक। अबू इसको कौन सी पीएम की कुर्सी पे बैठना है बादाम खाकर, ये तो ऐसे ही ठीक है। चुप चुप, ससुरा जब भी देखो तभी पटर 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 चुप, मारे जूते निकले पिसाब। हाँ बसंती, अब तुम्हारा करते हिसाब। कहा है कि जब चाय बनाते बनाते मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो एक पान वाला पीएम का है नहीं। अरे हमारा छोड़ो, तुम भी बन सकती हो। अरे ये ससुरा रेम्बो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे पीएम, पीएम नहीं तो सीएम तो बन ही जाओगे, है कि नहीं? मतलब कुल मिलाकर कौनो भी कुछ भी कभी भी बन सकता है कि नहीं? इतना ज्ञान बांटते हो मियाँ, 15 साल से पान ही लगा रहे हो है? हाँ हाँ, पान तो लगाते हैं लेकिन अपना दिमाग भी चलाते हैं। कैसे चलाते हो दिमाग? ओ ऐसे चलाते हैं, मोदी जी के आ जाने से हम जनता लोगों में एक अजीब किस्म का विश्वास पैदा हो गया है, एक एक एनर्जी पैदा हो गया है। मतलब मोदी जी के आने से ससुरा राजा प्रजा का कोनो अंतर नहीं रहा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है। भन भिंडो भन भिंडो, मतलब जैसे पहले नेहरू जी की बेटी जी आई, बेटी जी का बेटा आया, बेटा का बेटा अब राजगति को हथियाने के लिए मारे छटपटा रहा है। लेकिन मोदी जी आके ये सिद्ध कर दिए कि अब हम तुम जैसा आम आदमी भी इस देश को चला सकता है, बना सकता है। अरे बने नहीं तो क्या हुआ, मतलब एक अच्छे नागरिक तो बन ही सकते हैं ना, है कि नहीं? अबू मैं तो पहले से एक अच्छा नागरिक हूँ। चुप, तुम बोलो, बोलती रहो। हम भी ना बहुत अच्छे नागरिक हैं, पता है पिछले साल तो हमने वोट भी डाला था। अच्छा? हाँ। अरे बसंती, इस डेमोक्रेसी में वोटिंग डालना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी वैल्यू जाना। जाने कौन ईमानदार है और कौन बेईमान, है कि नहीं? और जनता के सेवक पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है, जाने कौन नेता के रूप में चोरट्टा निकल जाए। ये बात बिल्कुल सही है, वो हमारी मालकिन है ना, हम पर बहुत नजर रखती है पता है। हाँ। ताकि तू मालिक को चुरा ना ले। ए, तो फिर बोला चुप। दूर क्यों जाना बसंती, तुम्हारी मालकिन को ही ले लो, अपने छोटे से घर का कितना ख्याल रखती है, हिफाजत रखती है, सीसीटीवी रखती है, और अपने देश के अपनी तुम्हारी मेहनत की कमाई को ये नेता लोग चोर की तरह बाहर ले जा रहे हैं, उस पर कौन कुछ नहीं कर रहा है। अरे बसंती, हमारी तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं? अब अकेला मोदी क्या क्या करेगा बताओ।